को हिम्मत दे दे, और क्या कह सकता हूँ मैं, तो यही कहूँगा अल्लाह ताला हिम्मत दे दे। रुहुल्ला साहब ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स को चेंज किया गया, अहम टाइम पे क्यों किया गया चेंज? मेरा भी यही सवाल। तो उमर साहब का एक महबूब मुफ्ती का एक बयान आया कि 87 में NC ने ही यहाँ पे हलाल हराम का ये किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी बहन है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उनके वालिद मोहतरम भी कांग्रेस में ही थे, वही तो 87 में कांग्रेस थे। साथ आया था ये मेरा इलाके में, मैं वोट मांगने आया था। क्या मुश्किलात हैं यहाँ लोगों की? बहुत सारे मुश्किलात तो सभी हैं, डेवलपमेंट की हैं, बच्चों की हैं, फिर आप देखते हैं कि वैसे ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन इलाकों में डेवलपमेंट के लिहाज से भी चैलेंज रहा है। इन इलाकों में वैसे ही 90 से लोग इतने प्रेशर में रहे हैं कि वो प्रेशर आज भी महसूस करते हैं, रिलीज होके भी प्रेशर महसूस करते हैं। अल्ताफ साहब, एक वीडियो के लिए वायरल हो रहे BJP लीडर के, जो जिसमें वो इंजीनियर रशीद को एज BJP का पार्ट कह रहे हैं, इंजीनियर रशीद को भी आपको भी BJP का पार्ट कह रहे हैं। देखिए, बदजमीर लोग हर जमात में हैं, और जब वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, फिर कहते हैं वो कि हम उनको ये मुझे लगता है अब बिल्कुल पता लगी है, एक बीमारी की मानद वो है, और इसलिए वो कहते हैं कि कशिर पर चना वना अगर अश में हम तो शू में ला दें तुम चो वना थी। मगर मैं आपको ये बताऊंगा, किसी के ईमान पे शक नहीं करना चाहिए। खुदा करे कि कोई मुसलमानों का भी ठेका ले ले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है किसी ने मुसलमानों का ठेका लिया है, मुसलमानों के खिलाफ ही सब ने ठेका लिया है। अब आप छानपुरा का दौरा कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या आश्वासन आप लोगों को दे रहे हैं? मैं कुछ टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देता हूँ, बाकी टाइम पार्टी को देता हूँ, तो करूँगा तो सही। क्या आश्वासन दे रहे आप, क्या काम इनकी जरूरत है यहाँ? इंशाल्लाह लोगों के हर मुश्किल के लिए हल ढूंढेंगे। सबसे पहले नौजवानों का जो मसला है उसके लिए हमारी प्रायोरिटी वही है। थैंक यू सो मच।